गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई एम योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम DM हरियाणा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यस, स्टैंडर्ड 4. टुडे वी स्टार्ट योर लिटरेचर, आई मीन रीडर बुक. नाउ वी डन योर चैप्टर नंबर फर्स्ट. आज हम आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट करेंगे, द वन दैट गॉट अवे. ओके, ये आपका चैप्टर है, बच्चों की बारे में स्टोरी है, स्टूडेंट्स के उनके क्लास में जो जो हो रहा है उसी के बारे में आपको चैप्टर में बताया गया है. इसमें काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और टीचर है, और टीचर का नाम है मिसेस कूपर, और जो मेनली एक मेन कैरेक्टर है मेलकॉम. ओके, अब हम रीड करते हैं. व्हाट हैव वी टू रिमेंबर टू ब्रिंग टुमारो, मिसेस कूपर आस्क्ड एट 3:30. मिसेस कूपर बच्चों को कह रही हैं कि तुम्हें याद रखना है कि कल तुम्हें क्या लाना है. ओके, मेलकॉम सिटिंग एट द बैक, मेलकॉम नाम का बच्चा बैठा है, वंडर बहुत हैरान है. शी सेड वी, वो हमें क्या कह रही हैं? शी वॉज नॉट गोइंग टू ब्रिंग एनीथिंग, कि उसने क्या लाने को कह रही हैं. समथिंग इंटरेस्टिंग, कुछ अच्छा सा, मतलब जिसमें कुछ इंटरेस्ट आए, रुचि आए. मिसेस कूपर सेड एवरीवन एल्स ऑल टुगेदर, सभी को कह रही हैं, मिसेस कूपर नाम की जो उनकी क्लास टीचर है, कुछ लेकर आना, कुछ अच्छा सा. एंड व्हाट आर वी गोइंग टू डू देन, तो हमें क्या करना चाहिए? स्टैंड अप एंड टॉक अबाउट इट, मिसेस कूपर सेड, खड़े हो और बात करो कि क्या हो सकता है. सो डोंट फॉरगेट, भूलना नहीं है. ऑल राइट, ठीक है. चीयर्स ऑन टेबल्स, जब जैसे आप स्कूल से घर के लिए निकलते हैं तो आप अपनी लाइट को, फैंस को स्विच ऑफ करते हैं, डेस्क को, कई बार जो छोटे बच्चों की चेयर होती है उनको इकट्ठा किया जाता है ना. गुड बाय क्लास फोर्थ, ये क्लास फोर्थ का ही स्टूडेंट है, उनकी ही क्लास के बारे में जो डिस्कशन चल रहा है. गुड बाय सभी बच्चों के लिए, मिसेस कूपर गुड बाय एवरीबॉडी, सबको बाय कर रही है. क्लास फोर पुट इट चेयर ऑन द टेबल, क्लास फोर्थ अपनी चेयर्स को टेबल के ऊपर रखो. कलेक्ट इट कोर्ड्स, अपने कोर्ड्स इकट्ठे करो. एंड वेंट होम, अपने घर जाओ. टॉकिंग अबाउट ऑल द इंटरेस्टिंग थिंग, और जो सामान तुम्हें लाना है ना, इट वुड ब्रिंग इन टू स्कूल द नेक्स्ट डे, और मंडे को जब तुम आओगे सामान लेकर आना. मेलकॉम वर्कड बाय हिमसेल्फ, वो आता है कौन? मेलकॉम क्लास में ही होता है, अपने कक्षा में ही होता है. मिसेस कूपर हैड फर्स्ट टोल्ड देम टू फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग ऑन मंडे, मिसेस कूपर ने उनको कहते कि तुम मतलब मंडे को क्या लाओगे, क्या ला रहे हो. नाउ इट वॉज ट्यूजडे, और सॉरी थर्सडे, बेटा थर्सडे हो जाता है, मतलब उस सैटरडे को कहा और उन्हें मंडे को लाने को कहते, लेकिन वीरवार हो जाता है. एंड स्टिल ही हैड नॉट कम अप विद एनी ब्रिंग ब्राइट आइडियाज, और वो कुछ भी आइडिया उसके मन में नहीं आता, किसके? मेलकॉम के माइंड में. देयर वर प्लेंटी ऑफ थिंग्स दैट ही फाउंड इंटरेस्टेड, उसको समझ ही नहीं आ रहा वो क्या एक स्पेशल सी चीज़ लेकर जाए. बट द ट्रबल वॉज दे नेवर सीम टू इंटरेस्ट एनी वन एल्स, दिस हैड हैपेंड द लास्ट टाइम वेन ही हैड brought along his favorite stone and shown it to the class. और वो याद करता है कि पिछली बार वो कुछ पत्थर लेके आया था कुछ, और उसने पूरी क्लास में शो किए थे, दिखाए थे. वेरी नाइस मेलकॉम, और उसको वेरी नाइस कहा गया था. मिसेस कूपर हैड सैड, नाउ टेल अस व्हाट्स इंटरेस्टिंग अबाउट इट, और इसके बारे में क्या रुचि है. ही डिड नॉट नो व्हाट टू से, उसको समझ नहीं आ रहा वो क्या कहे. श्योरली Anyone looking at the stone could see how interesting it was. हर कोई उसके मतलब उसके पत्थरों की तरफ देख रहा है कि इसमें क्या रुचिपूर्ण है. Tomorrow, Mary was going to bright her जर्बेल, और जो मैरी नाम के, उस काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, सबके अलग अलग, मैरी नाम की लड़की एक जर्बेल लाई है, जैसे एक माउस होता है ना, चूहा होता है, चूहे जैसा कोई जानवर. जेम्स, शाराह एंड विलियम हैड लाउडली डिस्कस्ड रियल शेल्स एंड फॉसिल्स एंड द ओनली स्पाइडर द वर्ल्ड विद फाइव फ्लैग्स. ये जो जेम्स है, सरा है, विलियम्स है, शेल्स लाए, शंकु लाए, फॉसिल्स होता है बेटा ढांचा, एक तरह का जैसे वो होते हैं ना कोई खनिज पदार्थ जो धरती में से दबे हुए निकलते हैं कुछ. और जो है एक बच्चा क्या लाया, स्पाइडर, मकड़ी लाया है, पांच टांगों वाली. इट कैन बी अ स्पाइडर, देन सेड डेविड, डेविड कहता है ये मकड़ी हो सकती है. हु वाज एवाज ड्रॉपिंग, मतलब वो हैरान है जिसकी पांच टांगे हैं. इट हैड एन एक्सीडेंट, लगता है इसके साथ कोई दुर्घटना हो गई है. विलियम सेड, विलियम कहता है. इसोबेल वॉज गोइंग टू ब्रिंग हर पॉकेट कैलकुलेटर, इसोबेल नाम की जो गर्ल है, हर आ गया ना, वो कैलकुलेटर लाई है. एंड शो देम हाउ इट
कॉम कुड राइट हर नेम बाय पंचिंग इन 73805। मन वो अपना मतलब एक प्लेइंग वाला कैलकुलेटर लाई है और वो उसको बार बार पंचिंग कर रही है, किस नंबर इन नंबर्स को पंचिंग करो और अपना नेम राइट कर रही है एंड टर्न इट अपसाइड डाउन, और वो ऊपर से नीचे की तरफ कर रही है, मतलब सबको कुछ इंटरेस्टिंग दिखा रही है। शी डिड दिस एवरी टाइम, बार बार कर रही है, बट इट स्टिल लुक्ड इंटरेस्टिंग, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। मेलकॉम कुड थिंक ऑफ नथिंग, मेलकॉम को कुछ समझ नहीं आ रहा। व्हेन ही रीच्ड होम, घर जाता है, ही वेंट टू हिज बेडरूम, अपने बेडरूम में जाता है एंड लुक्ड एट द शेल्फ, और उस शेल्फ की तरफ देखता है, वेयर ही कैप्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ उन्होंने महत्वपूर्ण चीज़ें रखी हुई थी। ही ट्विंग्स हिज ट्विंग दैट लुक्ड लाइक अ स्टिक इनसेट, एक पतली लकड़ी, हिज मार्बल पत्थर की तरफ दैट लुक्ड लाइक अ ग्लास आए, और कुछ पत्थर हैं जो बिल्कुल शीशे की तरह नजर